मैं हरियाणा से हूँ और भोजपुरी इंडस्ट्री में मेरी पहली फिल्म है जो कि राज कपूर शाही सर की वजह से मुझे ये ऑफर मिला है। सर ने हमारे साथ हमारे हरियाणा में बहुत प्यारी मूवी की थी जिसमें एज अ विलन का करेक्टर कर रहे थे, मेन विलन का। बहुत अच्छा इन्होंने अपना किरदार निभाया तो इनको मेरा एक्ट अच्छा लगा, दैट्स वाई इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और लीड रोल कर रही हूँ मैं इस मूवी में और काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी भोजपुरी इतना प्रॉपर है नहीं, लेकिन कोशिश करूँगी कि अगर पर्दे पर मूवी आते हैं तो दर्शकों को मेरा करेक्टर पसंद आए। को एक आर्टिस्ट ना, एक आर्टिस्ट बिल्कुल मतलब सॉफ्ट हार्ट होता है, उसको कोई भी करैक्टर दो, अगर वो परफेक्ट करैक्टर होगा ना, परफेक्ट बंदा होगा, उसको कोई भी करैक्टर दो वो कभी झिझक नहीं करेगा मुझे करना है नहीं करना। लेकिन मेरे दिल में हमेशा से एक ही चीज़ है, चाहे कोई भी करैक्टर हो मैं अपना उसमें बेस्ट दूँ। मेरे अंदर इतनी सी भी हेजिटेशन नहीं थी कि मैं उसको कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, नहीं। सर ने बोला करैक्टर है मैडम आ जाओ, बढ़िया है, आपको पसंद आएगा। मैंने कहा ठीक है सर मैं आ रहा हूँ। भोजपुरी बोलना देखो ईजी भी था, इतना टफ भी नहीं था, मतलब बीच की चीज़ थी। बोला भी था मैंने, सर ने भी देखा था और अच्छा भी लगा कि मैं फ़र्स्ट टाइम भोजपुरी बोल रही हूँ, तो वो हेजिटेशन जैसे होता है कि न्यू लैंग्वेज को मैं कर रही हूँ, कैरी कर रही हूँ, तो वो हेजिटेशन मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं, 1% भी मुझे फील नहीं हुआ। जैसा कि पब्लिक ने बताया, मुझे नहीं पता वो तो कैमरे पे क्या चीज़ दिखेगी, लेकिन जो मैंने किया मुझे अच्छा लगा, दर्शकों ने देखा, उन्होंने क्लैप की, तो और ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस और ज़्यादा आया मुझे उसका। फिल्म के डायरेक्टर का तो सर जितना तारीफ करूँ ना उतना कम है, बहुत ही अच्छे नेचर के पर्सन है। इतना मतलब जैसे बहुत सारे होते हैं, मैंने एक चीज़ उनकी ज़रूर नोटिस किया ऑन सेट पे, क्या है ना कि जैसे डायरेक्टर होते हैं बहुत सारे, मतलब सीन ना करो तो गुस्सा करते हैं। आज तक मैंने सर के फेस पे गुस्सा ही नहीं देखा, प्यार से जाके कान में पता नहीं क्या बोलते हैं और बंदा परफेक्ट शॉट देता है, बिल्कुल पता नहीं कुछ गुरु मंत्र ऐसा देते हैं कि सामने वाला बंदा ना परफेक्ट ही करेगा ऐसा। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे नेचर के हैं, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है बॉलीवुड में, हर जगह उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और मेरी उनके साथ पहली मूवी है तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुई थी। जैसा कि राज कपूर शाही सर ने उनके बारे में बताया था, बहुत ही अच्छे डायरेक्टर, बहुत बड़े लेवल के हैं, अगर उनके हाथ के नीचे कोई आया है ना तो वो स्टार बना है। यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, ऑलमोस्ट हर एक पर्सन अच्छा है, गांव भी बहुत प्यारा है। अदरवाइज़ क्या होता है ना कि हम शूट करते हैं ना, इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है ना, समझ ही नहीं आता करे या ना करे। लेकिन मेरे अंदर हमेशा मैं अपना पॉजिटिव पॉइंट बता देती हूँ, कितनी भी पब्लिक खड़ी हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं अपने काम पर फोकस देती हूँ, हेजिटेशन 0% भी नहीं है। बस इससे पहले मैंने भोजपुरी तो मेरी पहली है, इससे पहले मैंने शंकरा मूवी की थी जिसका आज ट्रेलर रिलीज़ हुआ है, ठीक है, सिनेफ्लिक्स कंपनी से आया, ऐप है एक मुंबई का, वहाँ से। और अभी सर के साथ बात चल रही है, अप्रैल तक देखो 2 या 3 मूवी और है, ठीक है, अभी हरियाणा में भी जाके काम करना है। तो हर जगह जहाँ भी एक आर्टिस्ट को जहाँ भी काम मिले ना उसको पहुँच जाना चाहिए, क्योंकि क्या पता कब किस टाइम किस्मत का दरवाज़ा खुल जाए, कुछ नहीं पता चलता। सर मैं इस फिल्म को लेकर बहुत खुश हूँ और मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस लायक नहीं था, इन्होंने मुझे इस लायक बनाया है, एक नई ज़िंदगी दी है इन्होंने मुझे। जी राज कपूर सही जी ने, मिथिलेश सर ने, इन सब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मैं ऐसा था नहीं जिन्होंने इन्होंने ऐसा बनाया मुझे। थैंक यू सर। हीरो मेरे बहुत अच्छे हैं, बहुत मतलब कि एक्टिव हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, डैशिंग पर्सनैलिटी है उनकी, मैं जितनी तारीफ करूं कम है। सर हीरो की बात करूं ना तो बहुत ही अच्छे नेचर के हैं, पंडित सूर्या शर्मा जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे नेचर के हैं, गुस्सा वो भी नहीं करते हैं और मुझे अच्छा लगा उन लोगों के साथ काम करके, मतलब 1% भी ये फील नहीं हुआ कि मैं फैमिली से बाहर आके, आज हमें 10 या 11 दिन हो गए यहाँ पे आए हुए, मतलब 1% भी मुझे ये फील नहीं हुआ कि मैं फैमिली से बाहर रह रही हूँ। शाही सर जी मतलब मेरे पापा के समान हैं, ठीक है, तो उन्होंने मुझे हमेशा मतलब सपोर्ट किया है हर एक चीज़ को, हर एक चीज़ की, मतलब अपने खाना खाया नहीं बेटा, आप आराम से रह रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत, मतलब हर एक चीज़ के लिए पूछा, जैसे पेरेंट्स पूछते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हीरोइन भी अच्छे हैं, हीरो भी अच्छे हैं, सब ऑलमोस्ट ऑल ओके है।